हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आपसे मिस हुई हैं या फिर कोई टॉपिक आपसे छूटा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे लाइन वाइज। अगर आपसे कोई टॉपिक छूटा है उसे देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो खास कर देखिएगा क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपसे कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक, तो उन वीडियोस को देखिए और कंटिन्यू करेंगे आज फैक्टराइजेशन बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियोस में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सपेंडेशन पढ़ी थी जिसमें हमने उसके दो टाइप के क्वेश्चन किए थे, पहला नंबर रिलेटेड और दूसरा वेरिएबल रिलेटेड। सारी आइडेंटिटीज के हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 में आपको फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसीलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे फैक्टराइजेशन बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, आज की वीडियो आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 3 करने में हेल्प करेगी। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तीनों आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, थर्ड है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी की फैक्टराइजेशन में एक साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये तीनों सिमिलर हैं। पहली चीज इनमें सिमिलर स्क्वायर, दूसरी मैक्सिमम टू वेरिएबल। हमारे पास स्क्वायर से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी है, वो है आइडेंटिटी 5, लेकिन वहां पर आपको तीन वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इन तीनों आइडेंटिटीज को हम एक साथ यहां पर सॉल्व करेंगे क्योंकि इनमें दो वेरिएबल मैक्सिमम होते हैं और स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को एक्सपेंड किया था तो मैंने बताया था कि वहां पे हमारी पहली ड्यूटी होती है x और y को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे एक्सपेंड करेंगे। उसी तरह जैसे हमने पहले एक्सपेंडेशन में इधर आइडेंटिफाई किया था और इधर एक्सपेंड किया था, उसी तरह हम इधर आइडेंटिफाई करेंगे और उसे वापस यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, पहचान करने का तरीका सिंपल, आपको फाइंड करना है स्क्वायर। अगर आपकी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिख रहा है तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से किसी भी आइडेंटिटी का एक्सपेंडेशन हो। ठीक, दूसरी चीज कोफिशियंट, दूसरी चीज आपका कोफिशियंट। अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है और साथ में एक नंबर है यानी इसका कोफिशियंट है, जो भी एक स्क्वायर नंबर है, जैसे यहां पे 49 लिखा हुआ है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यानी पूरा किसका स्क्वायर है 7a का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज आपको देखने को मिलेंगी इन कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, पहली चीज आपको स्क्वायर देखनी है, दूसरी चीज उसका कोफिशियंट। इन केस आपके पास स्क्वायर है लेकिन कोफिशियंट आपका होल स्क्वायर नहीं है तो उसमें चेक कीजिएगा कि आपके पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। मैं उसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले इनको देखते हैं। मेरे को स्क्वायर दिख रहा है और मेरे को एक नंबर दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज मेरी चेक। उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे लास्ट टर्म पे, तो ये है आपका 5b का होल स्क्वायर, ये भी चेक। अब बात करते हैं 2xy की। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी कब होगी, जब 2xy वेरीफाई होगा। 2xy कब होगा, आपने ये x हो गया और ये आपका हो गया y, तो हम एक बार 2xy चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स यानी 7a इंटू वाई यानी 5b, तो ये आ जाएगा आपका 70, 7 2 14, 14 5 70ab, तो ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये आइडेंटिटी है। तो मैं इसे लिख दूंगा यहाँ पे 2 इंटू 7a इंटू 5b। ठीक है, अब बात आती है साइन की। साइन मुझे बताएगा कि पहली आइडेंटिटी है या फिर दूसरी। प्लस है तो यानी पहली होगी, तो ये हो जाएगा आपका x यानी 7a प्लस y यानी 5b का होल स्क्वायर। समझ में आया, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर और एक स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर स्क्वायर नंबर ना हो तो, सपोज मैं इसी का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, 98a² + 140ab + 50b² ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन मेरे पास स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में पहले चेक कर लेना कि तीनों में से कुछ कॉमन आ तो नहीं रहा। ऐसे इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 49a² + 70ab + 25b² अभी हो गया स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
सिंपल। तो अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है और नंबर स्क्वायर नहीं है तो चेक कर लेना उस केस में कि यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है या फिर नहीं, कॉमन आएगा तीनों टर्म में से। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी वैसे ही चेक करेंगे, पहले क्या है हमारे पास, ये आपका 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये y, तो ये 2y का स्क्वायर है। फिर लास्ट 1 तो होता है 1 का स्क्वायर। अब क्या चेक करेंगे, 2xy, तो 2xy नहीं, 2 into x आपका 2y into y आपका 1, तो ये जाएगा आपका 4y। मैच हो रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 into 2y into 1, तो यहां पर प्लस। ठीक है, और इस साइन को नीचे, तो यही साइन मुझे बताएगा कि पहली आइडेंटिटी है दूसरी, अब माइनस है तो ये दूसरी है, तो ये हो जाएगा एक्स यानी हमारा 2y माइनस वाई की जगह हमारा 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये दोनों ही सेम है, बस इसमें फर्क है एक माइनस और प्लस का। ठीक है, यहां पर भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें आपको कॉमन लेना पड़े। चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। तो अभी किसका स्क्वायर है, 5 का 25, 4 है आपका 2 का और x स्क्वायर है आपका x का, तो मैं इसे लिख सकता हूं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका आप y का स्क्वायर है और ये 3 का, तो y/3 का होल स्क्वायर, तो मेरे को दिख गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी 5/2x माइनस y/3 इंटू 5/2x प्लस y/3 हो गए फैक्टर्स। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकते हैं, 7a+5b इंटू 7a+5b, उसी तरह इसे 2y-1 इंटू 2y-1। फैक्टराइजेशन हम इस चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और डिवीजन और मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी फैक्टराइज किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसके थे, फैक्टराइजेशन बाय एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो हमें एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके उन्हें फैक्टराइज करना था। हमने पहली, दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी का यूज करके कुछ क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। कैसे, सबसे पहले चेक करना है आपको स्क्वायर और मैक्सिमम दो वेरिएबल, दूसरा एक स्क्वायर नंबर। ठीक है, फिर आप चेक करेंगे पहली और लास्ट टर्म को। ठीक है, यानी पहली और लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से अपना एक्स और वाई फाइंड कर लें तो फिर आप उसे चेक करेंगे अपना 2xy। ठीक है, और उसके साथ का साइन आपको बताएगा कि आइडेंटिटी 1 है या आइडेंटिटी 2। ठीक है, और थर्ड में तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको स्क्वायर चेक करना है, फिर आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कॉमन वाली, अगर नंबर आपको स्क्वायर ना मिले तो चेक करना कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 100% कुछ कॉमन होगा अगर ऐसा कुछ केस होगा तो। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये है आपके तीन क्वेश्चन जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। इन तीनों क्वेश्चंस को कीजिए, और अगर आपके पास ऐसे ही और डाउट्स होते हैं इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से, या फिर इस पूरे चैप्टर से, या फिर किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उनकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।